आप सभी को पता होगा कि माता जा चुकी है, तो उनका प्रसाद हमारे घर की ओर आया था, क्योंकि वो लोग सबको प्रसाद बांट रहे थे पूरी कॉलोनी में, जितने भी चंदा दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं दीपक कुमार ब्लॉग्स। और आज मैं वही ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूं जिसका मैंने कल वीडियो बनाया था एक्चुअली में, तो इसलिए लेंथ थोड़ी बढ़ गई है हमारे फ़ोन के बीच में और मेरे बीच में। तो मैं आज है वेनसडे और कल था ट्यूसडे, तो मैं ट्यूसडे को गया था हनुमान जी के मंदिर छाड़द्वारी टेम्पल करके नाम है, जो कि पड़ता है ओरछा में। ओरछा में जो टेम्पल है राम जी का, उसके 3 किलोमीटर के दायरे में आपको ये मंदिर मिल जाएगा। और चूँकि ये प्राचीन मंदिर है तो देखने में काफ़ी अच्छा है, और लोकेशंस उस मेन मंदिर के आसपास की चीज़ें इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि आप जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करो एक बार। और भीड़ वैसे काफ़ी कम आती है वहाँ पे, तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग को वहाँ पे जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। ट्यूसडे के दिन आप वहाँ पे जाइए, काफ़ी सही सही चीज़ें हैं वहाँ पे। तो पहले अपन करते हैं एक्सप्लोर। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7, और मैं अभिषेक और अभिषेक का दोस्त अमर, हम तीनों निकल चुके हैं ओरछा की ओर छाड़द्वारी मंदिर की तरफ। छाड़द्वारी टेम्पल एक्चुअली एक हनुमान मंदिर है, और ये मंदिर राम जी के मंदिर के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही पड़ता है। और राम जी का मंदिर, मैं वही मंदिर बोल रहा हूँ जो कि ओरछा में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है राम राजा सरकार के नाम से। इस टेम्पल के बाहर पार्किंग स्पेस बहुत अच्छा है, अगर आप कार लेके जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पार्किंग कहाँ पे लगानी है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं प्रसाद के लिए भी, तो उसके जस्ट सामने ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, और उसके बाद जाके आपको टेम्पल मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले लिया वहाँ पर प्रसाद और माला। माला लेते ही साथ हम लोग निकल गए मंदिर की अंदर की ओर। मंदिर के अंदर रोज जाते हुए बाहर ही आपको चप्पल उतारनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी आउटर में है। ये जो माला दिख रही है आपको, उसके जस्ट बगल में ही आपको स्लीपर उतारने की जगह दिख जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं आती, इसलिए हम लोग को काफ़ी आराम से दर्शन हो गए थे हनुमान जी के, छाड़द्वारी महाराज के। हनुमान जी के मंदिर के अगल बगल में और भी मंदिर थे जहाँ पे राम जी का वास था, और वहाँ पे शंकर जी के मंदिर के टेंपल के बगल में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था, जो कि ये सामने आपको दिख रहा है। मंदिर के ठीक 50 मीटर दूरी पर ये एक छोटा सा किला टाइप का आपको दिखेगा, थोड़ा सा खंडर टाइप का है, खाली खाली सा है पूरा। हम लोग जब अंदर गए, हम लोगों ने देखा वहाँ पे नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि वो एक कुएं से अटैच है, जो कि हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये जो किला है वो एक्चुअली मैंने पूरा वाइड एंगल में कैप्चर किया है, ताकि आपको ये पूरी तरीके से दिख जाए, अच्छे से दिख जाए। और जैसे हम अंदर जा रहे थे, ये लोकेशन बहुत ही खूबसूरत होती जा रही थी। अब जैसे कि मैंने नीचे दिखाया था कि आपको सीढ़ियों में पानी दिख रहा था, वो एक्चुअली में ये जो सामने आपको कुआं दिख रहा है, ये कुंड है और इससे अटैच है वो सीधे। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे अटैच कर दिया उन लोगों ने सीढ़ियाँ। देखो सामने जो गैप दिख रहा है, इसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नीचे इन लोगों ने अलग से पानी भरा हुआ है। अगर ये पानी नहीं होता तो शायद नीचे घूमने की जगह भी होती, शायद कोई 2-3 रूम और मिल जाते, क्योंकि हम लोग जिसके ऊपर खड़े हैं हमें नहीं पता कि नीचे क्या है भाई। फिर हमें छोटा सा पूजा घर दिखा, जिसे मैंने प्रणाम किया, क्योंकि बगल में कारपेट भी रखा है, तो हमें पता चल गया था कि यहाँ पे कोई आते हैं, कुछ लोग आते हैं, रहते हैं, शायद बाबा लोग आते हैं यहाँ पे। ये है वो लोकेशन जहाँ से हम निकले हैं, और ये है हमारा मेन मंदिर। अब हम लोग जा रहे हैं समोसा खाने के लिए, भूख लगी है, क्योंकि एकदम गर्म गर्म चीज़ें निकल रही थी, भजिया, समोसा, जलेबी। तो हम लोगों ने एक्चुअली में तीनों ही ट्राई कर लिया, हम तीन लोग थे, हम तीनों ने समोसे भी लिए, भजिया ली और जलेबी भी खाया। और उसके बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। हमने घर की तरफ जाते हुए दूसरा रूट पकड़ा, जो कि निकलता है बबीना में, और बिजौली में एक्चुअली, सॉरी, बबीना अलग है, बिजौली अलग है। तो ये रास्ता हम लोग का निकलता है बिजौली में, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी भी कार से आओ तो इस रूट से कभी मत आना, क्योंकि ये रूट बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, एकदम ऑफ रोडिंग टाइप का है। और एक बार अगर आपकी कार आ गई, तो सामने से दूसरी अगर कार आ गई, तो आपका लग जाएगा ट्रैफिक जाम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कार निकलने की जगह है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस रूट को इग्नोर करें अगर आप कार से आ रहे हैं। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आप नॉर्मली आप यहाँ से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बीच में गांव पड़ते हैं। इस रास्ते से वापस आते वक्त अमर ने हमें बताया, जो इस वक्त हमारे सामने जो पहाड़ है और पहाड़ की चोटी पर जो मंदिर है, वो बूढ़े शंकर जी का मंदिर है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया है कि किसी दिन ट्रैकिंग करते हुए वहाँ पर हम लोग जाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल कोई
चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और तुम लोग वीडियो भी नहीं देख रहे हो। मेरे चैनल पे 1000 लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं जिसमें से 10 लोग भी लाइक नहीं करते हैं, और लाइक तो मतलब समय भूल ही जाओ कोई कर रहा है। मुश्किल से मुश्किल 10 लाइक आते हैं इस वीडियो पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना करें, क्योंकि तभी जाके मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट होगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बीच में अटक जाएगा हवा में। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।